हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं अपने क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर ड्रेनेज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, द हिमालयन रिवर्स। ओके, हम लोगों ने इससे पीछे समझा है, अपने पिछले वीडियो में देखा कि एक रिवर सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है ना। कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे, ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्या होते हैं, वाटर डिवाइड और ड्रेनेज पैटर्न, ये हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में किया था। रिवर सिस्टम हम लोग समझते हैं कि एक बड़े रिवर में और उसके साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना, एक रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज से मिलके एक रिवर सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा था कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम लोग बेसिकली दो मेजर क्लास में डिवाइड करते हैं, दो मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक क्या है, हिमालयन रिवर, और एक क्या है, पेनिनसुलर रिवर। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं हिमालयन रिवर्स को। ये जो हिमालयन रिवर्स है ये बेसिकली तीन रिवर सिस्टम से मिलके बना है, इंडस, ठीक है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो वेन एवर वी से हिमालयन रिवर सिस्टम वी मीन दैट द दिस रिवर सिस्टम हैज़ बीन फॉर्म्ड कंबाइंडली बाय द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को आज एक एक करके इन तीनों के बेसिन को समझते हैं, इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इंडस को लेके चलते हैं, ठीक है, इंडस रिवर। चलिए, इंडस रिवर जो है इसका ओरिजिन, इंडस का ओरिजिन आप देखेंगे तो इसका ओरिजिन तिब्बत में लेक मानसरोवर से होता है, ठीक है, लेक मानसरोवर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। इट इज़ द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ओके, इंडिया में देखिएगा आप तो इंडिया में इंडस रिवर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। ओके, इंडिया में तिब्बत रिवर लद्दाख में एंटर करती है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा तो ये ना इंडिया में आप देखते हुए चल रहे हैं, आप मैप पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखिए ये क्या करती है, इंडिया में ना लद्दाख में इंडिया में एंटर करती है, और यहाँ पे ना ये बहुत ही खूबसूरत गॉर्ज बनाती है, ठीक है। इट फॉर्म्स पिक्चरसेक गॉर्ज इन दिस रीजन। गॉर्ज का मतलब हम लोग समझते हैं ना, गॉर्ज का मतलब दो हिल्स या माउंटेन्स के बीच की एक नैरो वैली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना ये बहुत ही खूबसूरत गॉर्ज बनाती है इंडस रिवर। उसके बाद आप देखिएगा तो ये ऊपर की तरफ आपको गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए पहाड़ों से बाहर आती है, कहाँ पे, एटॉक में आती है ये पहाड़ों से बाहर, ठीक है। सो दिस रिवर इमर्जेज फ्रॉम माउंटेन्स फ्लोइंग थ्रू गिलगिट एंड बाल्टिस्तान। ओके, सो इंडस इमर्जेज फ्रॉम माउंटेन फ्लोइंग थ्रू गिलगिट एंड बाल्टिस्तान। ये फिलहाल कहाँ पे है, तो ये POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो यहाँ से होते हुए ये लैंड पे कहाँ आती है, इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स एट एटॉक, ठीक है। देखिए इसके जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जो इंडिया में देखिएगा आपकी इसके जो साउथ वाले रिवर हैं, जैसे झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास एंड सतलज, ये सारे इसके क्या हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। ये सब इंडस में मिलते हैं, और मिठानकोट के पास इंडस पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है। और ये इसका फाइनली ये अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में, इंडस का हम लोगों ने ओरिजिन देखते हैं, ओरिजिन कहाँ पे, लेक मानसरोवर में इंडस का ओरिजिन है, तिब्बत में। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। ये इंडस लद्दाख में इंडिया में एंटर करती है और बहुत ही खूबसूरत गॉर्ज बनाती है, ठीक है। बाल्टिस्तान गिलगिट होते हुए ये एटॉक में इमर्ज होती है माउंटेन से। इसके हम लोग ट्रिब्यूटरी रिवर्स देख रहे हैं, झेलम हो गए, चिनाब हो गए, रावी हो गए, ब्यास हो गए, सतलज हो गए, ठीक है। मिठानकोट में ये पाकिस्तान में एंट्री करती है। इंडिया ना इस नदी का, देखिए इंडस का, इंडिया ओनली इंडस का जो फ्लो है उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही इंडिया में है, ठीक है। और 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ठीक है ना।
इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ था कि इंडिया इंडस का ओनली 20% वाटर ही यूज करेगा, वो भी इरिगेशन पर्पस से, ठीक है। इंडिया विल यूज ओनली 20% ऑफ द वाटर ऑफ इंडस ओनली फॉर इरिगेशन पर्पस। कौन कौन से स्टेट को? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये इंडस का हम लोगों का हो गया डिटेल। इंडस के बाद आप आगे आते हैं, तो इंडस के बाद हम लोग आएंगे गंगा रिवर बेसिन को देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो इंडस ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम, ओके। एंड दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन इन द रीजन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग गंगा के बारे में पढ़ते हैं, गंगा रिवर बेसिन और द गंगा रिवर सिस्टम, ओके। द गंगा रिवर सिस्टम आप देखिएगा, तो गंगा का जो हेड वाटर है उसको भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। गंगा का जो हेड वाटर है उसको क्या बोलते हैं? हेड वाटर कहने का मतलब गंगा के जो ओरिजिन के पास का जो गंगा का जो ऊंचाई वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? देखिए द गंगा सिस्टम, ठीक है, द गंगा रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम, ओके। हेड वाटर जो गंगा रिवर सिस्टम का है, गंगा का है, उसको बोलते हैं भागीरथी, ओके। भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है देवप्रयाग के पास, ठीक है। देवप्रयाग के पास भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। देवप्रयाग कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री, यमुनोत्री सब उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हिमालय, ठीक है, गंगा ना माउंटेन से लैंड पे इमर्ज होती है हरिद्वार में, ठीक है। सो गंगा इमर्जेज फ्रॉम माउंटेन्स ऑन टू द लैंड्स एट हरिद्वार, ओके। गंगा के जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं इसको हम लोग दो तरीके से देखते चलेंगे, एक वैसे ट्रिब्यूटरी रिवर गंगा के जो हिमालय से जिसका ओरिजिन है, और एक वैसे ट्रिब्यूटरी रिवर्स जिसका ओरिजिन पेनिनसुलर इंडिया से है, ठीक है। तो हिमालय में जो हिमालयन जो रिवर्स हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है उसमें से जो मेन हम लोग देखते हुए चलेंगे वो हो गए आपके यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना कहाँ से ओरिजिन होती है? यमुना ओरिजिन होती है यमुनोत्री से, ठीक है। और यमुना गंगा से मिलती है इलाहाबाद में, ठीक है ना। तो यमुना, घाघरा, गंडक, देखिए गंडक और ये कोसी ये सब नेपाल से ओरिजिन होती है। जो नेपाल हिमालय हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो नेपाल में इसका ओरिजिन है गंडक का और कोसी का, ठीक है। वहीं आप देखिएगा तो जो पेनिनसुलर इंडिया के जो रिवर्स हैं उसमें से कौन कौन से रिवर्स हैं आप देख रहे हैं? चंबल है, चंबल, सोन एंड बेतवा, दीज आर सम पेनिनसुलर रिवर्स दैट मीट इन गंगा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको पता करना है कि ये रिवर कहाँ कहाँ मिलते हैं गंगा से। तो जो चंबल नदी है ना, चंबल ना यमुना में यमुना से मिलती है इटावा के पास, ठीक है। इटावा के पास यमुना से मिलती है चंबल, और यमुना कहाँ मिलता है? इलाहाबाद में। सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी ना सोनपुर जगह है, देखिए यहाँ पे ना बहुत बड़ा मेला लगता है, इवन इंडिया का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर में। तो सोनपुर कहाँ पे है? सोनपुर पटना के पास है, सोनपुर, सोनपुर जिला भी है, तो सोनपुर में मिलती है गंगा नदी, ठीक है। सोनपुर में सोन नदी मिलती है गंगा से, ओके। अब आगे बात करते हैं, तो गंगा नदी ना पूरब में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक जाती है, और वहाँ से क्या होती है, इसके दो फ्लो होते हैं, यहाँ ये बाइफरगेट हो जाती है, दो हिस्सों में बट जाती है, ठीक है। एक जो इसका फ्लो है वो भागीरथी या हुगली है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये डेल्टा एरिया तक चली जाती है, और दूसरा जो गंगा का फ्लो है वो बांग्लादेश में चली जाती है जहाँ पे वो ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलती है, और ब्रह्मपुत्रा में मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा जब ब्रह्मपुत्रा से मिलती है बांग्लादेश में तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना नाम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गंगा जो है ना ब्रह्मपुत्रा के साथ एक डेल्टा फॉर्म करती है सुंदरवन में, गंगा फॉर्म्स डेल्टा विद
गंगा फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा दैट इज सुंदरबन डेल्टा विद द हेल्प ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, सुंदरबन हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सुंदरबन कैसा एग्जाम्पल है, एक टाइडल फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। सुंदरबन में ना सुंदरी के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये सुंदरबन का नाम डिराइव किससे है, तो सुंदरी ट्री के कारण इसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन। ठीक है ना, सुंदरी पेड़ का वन फॉरेस्ट। और ये ना रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो सुंदरबन इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स, सुंदरबन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइडल फॉरेस्ट। ओके, एंड सुंदरबन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा के लेंथ की बात करते हैं। देखिए, गंगा इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गंगा की टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर। कितनी लेंथ है गंगा की, 2500 किलोमीटर। देखिए, हमने पीछे पढ़ा है इंडस की लंबाई 2900 किलोमीटर है, बट उसका मेजर हिस्सा इंडिया से बाहर है। हम अगर बात करेंगे इंडिया की तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ गंगा को कंसीडर करेंगे। ठीक है, वैसे गंगा इंडस और ब्रह्मपुत्र में लंबाई सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र की है, उसकी लंबाई 3080 किलोमीटर है, बट उसको भी कंसीडर किस लिए नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी मेजर पोर्शन कहाँ पर है, इंडिया से बाहर है। तो चलिए, गंगा की लंबाई हम लोग देख रहे हैं, गंगा की टोटल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। और गंगा और इंडस, ठीक है, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा है ना वाटर डिवाइड, कि दो रिवर स्ट्रीम के बीच में एक ऐसा अपलैंड या माउंटेन जो उनको दो हिस्सों में डिवाइड करती हो, सेपरेट करती हो। तो गंगा और इंडस के बीच में अम्बाला शहर जो है वो वाटर डिवाइड का काम करता है। अम्बाला वक्स एज अ वाटर डिवाइडर बिटवीन गंगा एंड द इंडस। ठीक है, तो आइए, गंगा और इंडस हो गया है, अब हम लोग चलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में। देखिए, ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है ना, ये तिब्बत के पास है, चेमा युंगडुंग से होती है। ठीक है, तिब्बत में इसका ओरिजिन आप देखिएगा तो कहाँ से है, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग के पास ही लेक मानसरोवर भी है। और लेक मानसरोवर से हम लोगों ने पीछे कौन से रिवर को देखा है, मानसरोवर से इंडस और सतलज। ठीक है ना, ये दोनों ओरिजिन होती है, यहीं इसके पास से ही ओरिजिन है। ठीक है, तिब्बत में ना ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं सांगपो, क्या बोलते हैं, सांगपो। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन द रीजन ऑफ तिब्बत और इन तिब्बतन रीजन्स। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के ना इसकी जो लंबाई है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई इंडस से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है। इंडस की लंबाई कितनी थी, 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की है 3080 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ना इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा में को कट करते हुए ये इंडिया में करती है। नामचा बरवा में ब्रह्मपुत्र गॉर्ज बनाती है, और उस रीजन में जब ये एंटर करती है तो इसको दिहंग बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ क्या होता है, दिहंग हो जाता है। ठीक है, बाद में ब्रह्मपुत्र में दिवंग और लोहित मिलते हैं, दो नदियाँ मिलती हैं, दिवंग एंड लोहित, और इसका नाम इंडिया में हो जाता है ब्रह्मपुत्र। असम में दिहंग में जब दिवंग और लोहित मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। ठीक है, असम में ना इसके कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र ना असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है हर साल। ब्रह्मपुत्र रिवर कॉजेज हैवी फ्लड्स एवरी ईयर इन असम। ओके, ब्रह्मपुत्र में ना, ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड, हम लोगों ने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में भी पढ़ा था ना दैट मजूली इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, वो कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र में है। देखिए, एक ना क्वेश्चन आता है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स टिबेटन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र का कोर्स इतना लंबा है, फिर भी टिबेटन रीजन में इसका जो सिल्ट का डिपॉजिट है वो बहुत कम क्यों होता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, जो टिबेटन रीजन है वहाँ पर क्या है, ज़्यादातर तो ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, तो उसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे इसको ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता है, लेकिन जब ये इंडिया एंटर करता है तो और नदियाँ इसको ट्रिब्यूटरी, और नदियों
इसको ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में मिलती है, साथ साथ बारिश का भी पानी इसको मिलता है, तो इसका सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ इस पार्ट में ज़्यादा सिल्ट मिलते हैं। आज हम लोगों ने बेसिकली हिमालयन रिवर में तीन रिवर सिस्टम को डील किया है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। काफ़ी आसान है, हमने इंडस के ओरिजिन देखे, उसके लेंथ देखे, उसके ट्रिब्यूटरीज देखे। मानसरोवर के पास उसका ओरिजिन है, लद्दाख में एंटर करता है, सतलम, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। गिलगित और बाल्टिस्तान होते हुए वो माउंटेन से इमर्ज करता है लैंड पे, मिठानकोट में वो पाकिस्तान में चला जाता है, अरेबियन सागर में वो मर्ज हो जाता है। ये था हमारा इंडस, इंडस की लंबाई भी देखी हमने, दैट इज़ 2900 किलोमीटर। उसके बाद हमने देखा है गंगा, गंगा का ओरिजिन गंगोत्री है, गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं हिमालय से आने वाले में, हिमालयन ट्रिब्यूटरीज में हमने क्या देखा है गंगा को, घाघरा हो गए, यमुना हो गए और कोसी हो गए। पेनिनसुलर में देखा चंबल है, बेतवा है और सोन रिवर है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि ब्रह्मपुत्रा जिसको जिसका ओरिजिन तिब्बत में है, चेमायुंगडुंग के पास, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा माउंटेन को कट करके गॉर्ज फॉर्म करते हुए इंडिया में आती है, जहां इसको दिहंग बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में जब दिहंग में जब लोहित और दिवंग मिलते हैं तो इसको असम साइड में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। असम में ये हर साल बहुत भारी तबाही लाती है बाढ़ के रूप में, और दुनिया के सबसे बड़े रिवराइन आइलैंड को फॉर्म करती है जिसका नाम है मजूली। तो ये था आज का टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आपने काफ़ी आसानी से समझ लिया होगा, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे भी अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।